Okay, so देखो यहाँ पे अभी we are talking about free oscillation. So let us take the example of a block and a spring combination. ठीक है? तो अभी इसका natural frequency क्या है? Under root k by a. तो अगर इसका amplitude, right a, तो amplitude ये कौन देगा उसको? हम लोग देंगे. एक बार इसको खींच के छोड़ देंगे, है कि नहीं? अगर यहाँ तक खींचा तो उसका amplitude ये हो गया. फिर ये क्या करता रहेगा? फिर ये क्या करता रहेगा? Oscillation करता रहेगा, है कि नहीं? सही है. तो अगर इसका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहे, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहे और एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन कांस्टेंट रहे तो उसको कहा जाता है फ्री ऑसिलेशन. उसको क्या कहा जाता है? फ्री ऑसिलेशन. मतलब अब एक बार आपने उसको खींच के छोड़ दिया, अब वो जिंदगी भर क्या करता रहेगा? ऑसिलेशन करता रहेगा. समझ में है? राइट. अब वो जिंदगी भर उस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन करेगा, उसका एम्पलीट्यूड कम नहीं होगा, उसका एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन कम नहीं होगा. तो वैसा जो ऑसिलेशन है और जो आइडियल ऑसिलेशन है, आइडियल केस, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री ऑसिलेशन. लेकिन ये आइडियल केस देखने को नहीं मिलता है, राइट? क्योंकि यहाँ पे जो फ्लोर है, सरफेस है, ये सरफेस का कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन होगा, कुछ ना कुछ तो इसका फ्रिक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से सेकेंड केस होगा, वहां पे डैम्पिंग होगा, यानी धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा. हाँ, इसका दूसरा एग्जांपल जैसे जब हम लोग स्विंग या झूला झूलते हैं, राइट? स्विंग पे बैठे हैं आप खुद से झूला झूल रहे हैं. हाँ, तो ऐसा मान लीजिए कि मैं झूला झूल रहा हूँ. तो अगर मैं झूला झूल रहा हूँ, राइट, और एक बार मैंने पीछे जाते हुए धक्का मारा और मैं उठ गया ऊपर, तो बस हो गया क्या? मैं स्विंग करता रहूंगा हमेशा के लिए? हाँ, ऐसा होगा कोई स्विंग पे बैठता ही नहीं फिर. ये छोटे बच्चे को बैठा देते, झूला देते, पनिशमेंट, झूलता रहते. पर वो नहीं कर सकते क्योंकि वो हमेशा नहीं झूलेगा. क्या होगा? एयर का जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से उसका स्पीड क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा. यानी आपने अगर एक बार जमीन का सपोर्ट लिया, जमीन पे धक्का मारा जोर से और आप पीछे गए और आप स्विंग कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि दो तीन मिनट के अंदर आपका वो जो स्विंग है धीरे 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 रेस्ट पे आ जाएगा. तो आपको ये जो इफेक्ट है जिसमें एम्पलीट्यूड जो है उसका क्या हो रहा है? धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है. किसकी वजह से? एयर के फ्रिक्शन की वजह से, एक डैम्पिंग फोर्स की वजह से. ये जो रेजिस्टिव फोर्स है इसको डैम्पिंग फोर्स बोलते हैं. इस रेजिस्टिव फोर्स, जैसे यहाँ पे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए वो डैम्पिंग फोर्स क्या होगा? वो फ्रिक्शन होगा जो ये सर्विस पे लगाएगा. तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो इसका एम्पलीट्यूड है, करेक्ट, पहले ये इतना जाएगा, फिर आएगा, फिर इतना जाएगा, फिर आएगा, फिर इतना जाएगा, आएगा, फिर ये यहाँ पर हो जाएगा. समझ में आपको? तो ये डैम्पिंग इफेक्ट है, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? धीरे धीरे कम हो जाएगा. तो उसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, जिसमें एम्पलीट्यूड धीरे धीरे चेंज होता है. और वो किसकी वजह से चेंज होता है? वो चेंज होता है रेजिस्टिव फोर्स की वजह से. वो किसकी वजह से चेंज होता है? रेजिस्टिव फोर्स. और ये जो रेजिस्टिव फोर्स है, ये रेजिस्टिव फोर्स एक्चुअली वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है. किसके प्रोपोर्शनल होता है ये? वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल, करेक्ट. जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना ज्यादा वो क्या रहता है? उसका रेजिस्टिव फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है. तो यहां पे आप देखो कि यहां पे सिर्फ एक रिस्टोरिंग फोर्स था. तो हम लोग क्या इक्वेशन लिखते थे? F is equal to minus kx, करेक्ट. लेकिन यहां पे एक रिस्टोरिंग फोर्स तो है ही है, क्योंकि जैसे आप झूले पे बैठे तो वो टेंशन का कंपोनेंट t sin थीटा बार बार आपको रिस्टोर कर रहा है, यानी या mg का कंपोनेंट कैसे भी कर सकते हैं. तो एक रिस्टोरिंग फोर्स है, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स के साथ साथ एक रेजिस्टिव फोर्स भी है. तो यहां पे जो फोर्स का इक्वेशन आएगा वो उसमें दो टर्म आएंगे, एक आएगा माइनस के एक्स और दूसरा आएगा माइनस वी वी, क्योंकि ये रेजिस्टिव फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वी एम एल लिखा है. तो यहां पे कांस्टेंट आएगा मान लो वी, ठीक है, और ये रेजिस्टिव फोर्स है. और रेजिस्टिव फोर्स, राइट, वो भी क्या करेगा? वो उस मोशन को अपोज करेगा. रेजिस्टिव फोर्स भी उसको रिस्टोर करने का कोशिश कर रहा है, राइट, उसको वापस खींचने का कोशिश कर रहा है, करेक्ट. जैसे एयर का फ्रिक्शन, आप इधर जा रहे हैं, एयर का फ्रिक्शन किधर लग रहा है? इधर लग रहा है. तो एयर का फ्रिक्शन हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है कि नहीं? ये चीज देखो, आप लग रहा है अपोजिट. जब आप इस डायरेक्शन में आ रहे हो, आपका स्विंग नीचे आ रहा है, तो आपके बाल किधर उड़ रहे हैं? पीछे उड़ रहे हैं, है कि नहीं? जब तो आप ऊपर जा रहे हो, फिर जब आप नीचे आ रहे हो, आपके बाल सारे आगे आ रहे हैं. यानी हमेशा वेलोसिटी के अगेंस्ट लग रहा है फ्रिक्शन, हमेशा किसके अगेंस्ट है? वेलोसिटी के अगेंस्ट है, इसलिए उसमें माइनस साइन आएगा.
इसमें कौन सा रहेगा माइनस, तो अब दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं यानी माइनस के एक्स और दूसरा माइनस बी वी। यहां पे इक्वेशन क्या बना था, मास इनटू एक्सेलरेशन यानी मास m इनटू डी स्क्वायर एक्स सॉरी डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर, और ये हम वहां लेके गए तो प्लस के एक्स इज इक्वल टू जीरो, और मास से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया k बाई एम एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये आया था यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन, पर यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा m डबल डेरिवेटिव ऑफ x है ना, यानी एक्सेलरेशन मास इनटू एक्सेलरेशन ठीक है इज इक्वल टू क्या होगा माइनस के एक्स और माइनस बी। वी क्या होता है, तो वी होता है डी एक्स बाई डी टी। ये पॉइंट समझ में आया आपको ठीक है। एक तो सबसे पहले आप ये समझिए कि रीस्टोरिंग फोर्स और ये रेजिस्टिव फोर्स में डिफरेंस क्या है। रीस्टोरिंग फोर्स में आता है एक्स, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स कैसा होना चाहिए, वो एक्स के अगेंस्ट होना चाहिए, यानी पार्टिकल अगर मीन पोजिशन के राइट साइड में तो रीस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए लेफ्ट साइड में, चाहे वो जा रहा हो या आ रहा हो उससे कुछ लेना देना नहीं है। रीस्टोरिंग फोर्स मस्ट ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स मीन पोजिशन, ऑलवेज, चाहे वो जा रहा हो आ रहा हो इधर जा रहा हो उधर आ रहा हो कुछ भी हो। लेकिन रेजिस्टिव फोर्स कैसा है, रेजिस्टिव फोर्स डज नॉट ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स मीन पोजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेजिस्टिव फोर्स डज नॉट एक्ट टुवर्ड्स मीन पोजिशन ऑलवेज, रेजिस्टिव फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द वेलोसिटी, अपोजिट टू द वेलोसिटी। अगर पार्टिकल इधर जा रहा है तो रेजिस्टिव फोर्स इधर, पार्टिकल वापस इधर आ रहा है तो रेजिस्टिव फोर्स उधर। रेजिस्टिव फोर्स डज नॉट ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स मीन पोजिशन, यू अंडरस्टैंड, इसलिए रेजिस्टिव फोर्स में हमने एक्स नहीं लिखा, हमने क्या लिखा है वी, बट इट ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू वी, देयरफॉर माइनस बी वी इज करेक्ट इक्वेशन, माइनस बी वी इज करेक्ट इक्वेशन फॉर रेजिस्टिव फोर्स, यू अंडरस्टैंड, एंड माइनस के एक्स इज करेक्ट इक्वेशन फॉर रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स के इक्वेशन में एक्स आएगा और रेजिस्टिव फोर्स के इक्वेशन में वी आएगा, ये पॉइंट क्लियर है ठीक है। तो यहाँ ये हमने v को लिख दिया dx by dt और बाद में m से डिवाइड करेंगे तो m हटा देते हैं यहाँ से, तो ये m नीचे आ जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, d square x sorry d 2x by dt square double derivative of x plus b by m dx by dt plus k by m x equal to 0। एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया, एक क्या आ गया एक्स्ट्रा टर्म, आप इसमें और इसको चेक करो, यहाँ एक्स्ट्रा टर्म आ गया। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन आया था x का वो क्या आया था, वो आया था a sin omega t plus phi। यहाँ पे जो इक्वेशन आया था x का वो क्या आया था, x is equal to a sin omega t plus phi। और यहाँ पे जो इक्वेशन आएगा इस केस में ये अलग आएगा, ये कैसा आएगा, इसको सॉल्व करके इसका इक्वेशन आता है राइट, इसका इक्वेशन आ जाएगा xm e raised to माइनस बी टी बाई टू एम, ये पूरा हुआ एम्पलीट्यूड, और इसके आगे आएगा साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाइव। अब आप थोड़ा इस पे ध्यान दो, तो आप देखो सिर्फ इस एक टर्म की वजह से यानी डैम्पिंग की वजह से इनके जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं, इनका जो एक्स का इक्वेशन आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आ रहा है, वो चेंज हो गए। इसमें एक्स का इक्वेशन जो आया है वो कैसा आता है, वो हमने बहुत देखा है, पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है इसके बारे में। ये आता है a sin omega t plus phi, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा इस तरह का एकदम एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, ये हो गया x, ये हो गया t, x t ग्राफ राइट, ये हो गया एक ऑसिलेशन यहां से शुरू हुआ यहां खत्म, एक ऑसिलेशन हो गया यहां से शुरू यहां खत्म, ये दूसरा ऑसिलेशन हो गया करेक्ट। पार्टिकल एक ही जगह पे ऑसिलेशन कर रहा है, ये सिर्फ x t ग्राफ है, ये नहीं कि पार्टिकल इधर से इधर है कि नहीं, ये सिर्फ क्या हो रहा है, पार्टिकल अपना एक जगह पे क्या कर रहा है, वो अपना एक जगह पे वो क्या कर रहा है, वो ऑसिलेशन कर रहा है राइट, समझ में आ रहा है। तो हम उसका जो ऑसिलेशन है उसको हमने टाइम के साथ प्लॉट किया, तो ये हो गया प्लस ए, ये हो गया माइनस ए, ये एक ऑसिलेशन हो गया, और वो ऑसिलेशन कहाँ हुआ, यहाँ एक टाइम पीरियड में, तो यहाँ एक टाइम पीरियड हो गया खत्म। अब दूसरे टाइम पीरियड में ऑसिलेशन होगा फिर से, कहाँ होगा, यहाँ, पार्टिकल एक ही जगह पे ऑसिलेशन कर रहा है, बस हम उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम टाइम के साथ प्लॉट कर रहे हैं, समझ में आया आपको। जब ऐसा प्लॉट हम लोग इसके लिए बनाएंगे तो यहाँ पे उसका एम्पलीट्यूड घटता जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, यानी ये ऐसा हो जाएगा यहाँ पे, ये जो हम देख रहे हैं एम्पलीट्यूड, ये धीरे 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 ये जो उसका एम्पलीट्यूड है
या एम्पलीट्यूड घटता जाएगा, ये इस तरह का एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा, यानी एक्सपोनेंशियली इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो आप टर्म देखा ये पूरा xm, xm मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन, तो इस तरह का जो ऑसिलेशन है इसको डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं, इसमें एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घटता जाता है, राइट। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया झूला का, राइट, स्विंग का एग्जांपल दिया, तो एक बार आप स्विंग कर गए फिर धीरे 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 उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और वो डाई आउट हो जाएगा, राइट, और एक पॉइंट पे जाकर उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा जीरो, इसको बोलते हैं वो डैम्प्ड ऑसिलेशन। और उसका इक्वेशन इस तरह से होता है, उसका ये उसका सोल्यूशन है, ये समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक, राइट। और इसके बाद एक है फोर्स ऑसिलेशन, तो फोर्स ऑसिलेशन क्या है कि अब अगर आप रेगुलर इंटरवल पे आप जमीन को धक्का मारते रहो, यानी आप एक बार वापस गए और जब वापस पीछे आ रहे हो फिर जमीन को दे धक्का, फिर आप पीछे गए, फिर आप स्विंग करके वापस उस एम्पलीट्यूड पे पहुंच गए, फिर जब वापस आए फिर धक्का, तो फिर पीछे, समझ में आपको, तो इस तरह आपका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, इसको बोलते हैं फोर्स ऑसिलेशन।